हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम पैन में और सिर्फ 5 मिनट में बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही ईजी है और इसे बनाने के लिए ओवन की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पिज़्ज़ा बेस लिया है और अमूल चीज़ है ये। मैंने यहाँ पर कुछ वेजेस लिए, इसमें है टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। और ये जो है पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। 3 टेबल स्पून केचप लिया है मैंने, टोमेटो केचप। उसमें मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन, रेड चिल्ली फ्लेक्स और सॉल्ट ऐड किया है। इसके अलावा ओरिगेनो भी ऐड करना है। यहाँ पर मैं वेजीज में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट और ओरिगेनो ऐड करना है और अच्छे से वेजीज को मिक्स करना है। यहाँ पर वेजीज में मैंने 2 शिमला मिर्च और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के और 2 प्याज ली है और इसे बिल्कुल फाइनली चॉप किया है। तो चले अब हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पिज़्ज़ा बेस मैंने एक ले लिया है, इस पर 2 टीस्पून के करीब हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा बेस की भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ पर देख सकते हो कि इसे किस तरह से बनाते हैं। और अब हम इस पर चीज़ ग्रेट कर लेंगे। मोज़रेला चीज़ भी आप ले सकते हो, यहाँ पर मैंने अमूल की चीज़ ली है। इस पर अच्छी से इसे स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद हम इस पर वेजीज ऐड करेंगे। तो जो वेजीज मैंने कट करके रखी है, अब उसे ऐड कर देते हैं। चीज़ मैंने स्प्रेड कर दी है, तो आपको जितनी पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करें। और वेजीज में आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, कॉर्न वगैरह। तो यहाँ पर वेजीज मैंने ऐड कर दी है, इसे स्प्रेड कर दिया है। अब ऊपर से हम थोड़ी सी चीज़ और ग्रेट कर देंगे इस तरह से। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर से एक एक पिंच रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो ऐड कर सकते हो, बट मैं बाद में ऐड करूँगी जब पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो बाकी सारे पिज़्ज़ा भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो 3 मैंने यहाँ पर वेजीज के साथ बनाया है और 1 मैं सिर्फ चीज़ का बना रही हूँ, आप देख सकते हो। तो अब ये सेकने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसे हम अब सेक लेते हैं। यहाँ पर पैन को मैंने गरम कर लिया है और गरम करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और पिज़्ज़ा को हम इसमें सेकने के लिए, कुक होने के लिए रख देंगे। और इसे कवर करके हम 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। और दूसरी साइड मैं तवे पर भी इसे बना रही हूँ, क्योंकि 4 है तो दूसरी साइड भी मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर तवे पर मैंने रख दिया है और इस पर मैं एक स्टील की थाली इस तरह से ढक दूँगी। इसे भी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है, अब देखते हैं पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है या नहीं। आप देख सकते हो चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और वेजीज भी अच्छे से कुक हो चुकी है। बस इस तरह के ही वेजीज चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ ये नीचे से भी जल जाएगा और कुक हो जाएगा। वेजीज थोड़ी सी क्रंची ही अच्छी लगती है इन सब चीज़ों में। ये वाला भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी है, बाकी का भी सेम इसी तरह से हम बेक कर लेंगे, कुक कर लेंगे। तो देखिए पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बना है। 5 मिनट में बनकर रेडी हो गया ये पिज़्ज़ा। तो इसे कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है इसमें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।